अहमद दिलू महदिलू अबिक अहमद लेमन सर या सुन लो मैं सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं नवे दिन ते नवे वीडियो दे विच। सो एक नवे ट्रैवल दे नाल ते मैं इस टाइम बैठा हुआ दिल्ली रेलवे स्टेशन दे एक लॉन्ज दे विच। ये ट्रेन है इत्थों भारत दी फस्ट क्लास ट्रेन दी जर्नी करांगे आपां थोड़े नाल। 21 तो 22 घंटे दी लंबी ट्रेन आ जिहड़ी कि मैनूं दिल्ली तो पहुँचा दूगी कोलकाता। तो कोलकाता तो मैं अगे जा रहा जी बांग्लादेश। सो बांग्लादेश लैंड बॉर्डर क्रॉस करांगे। मैं इत्थों दिल्ली तो वैसे बाय फ्लाइट भी जाना चाहुंदा जा सकदा सीगा। टिकट 5,000 की सी। मैंने फस्ट क्लास ट्रेन की टिकट भी तकरीबन पई आ 56-57 की और चंडीगढ़ तो दिल्ली आया मैं सैकेंड क्लास। फ्लाइट मैंने ढाका लैके चली जाती बट मैं चाहता सी कि लैंड बॉर्डर क्रॉस करके आप होंदे हुए ढाका जाइए ज़्यादा बैटर आ। कोलकाता की फ्लाइट सर्च की थी, वो भी 36-37 की सी पर मैंने लगे कि यार मैं हले तक भारत की फस्ट क्लास ट्रेन के ट्रैवल नहीं किया सो करना चाहिए। H1 डब्बा मेरा और ये मेरा A2H यही आ फस्ट क्लास का डब्बा जी। भारत की फस्ट क्लास मतलब इदा कैबिन बने हुए और कैबिन के अंदर 4 सीटा। मैं दिखा थोड़ा अंदर चल के भी तो सही दसा तो मेरी ए अपर वाली आ। मैं लग ही रहा है कि ये 4 सीटा होनी है। सो भारत की फस्ट क्लास के कैबिन के 4 सीटा होनी है। इंडिया के यही फस्ट क्लास होंगी, दरअसल सैकेंड क्लास होंगी। रशिया के सैकेंड क्लास, रशिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने भी तुम जाने हो तो मैं लगता भी ये सैकेंड क्लास होंगी है, ये फस्ट क्लास नहीं होंगी। पर इंडिया के कैबिन के अंदर 4 सीटा ही फस्ट क्लास होंगी है। ठीक है, मैंने पता नहीं ये बारे, मैंने लगे कि 2 सीटा होनी है क्योंकि फ्लाइट तो तकरीबन डबल चार्जेस है ये, मतलब 6,000 के करीब फ्लाइट हैगी 3200-3300 की। यह ट्रेन हैगी है जी दुरंतो एक्सप्रैस जी कि नवी दिल्ली तो चलती है तो हावड़ा तक जाती है। 21 घंटे का सफ़र आ, देखते हैं किदा का रहने वाला। सो बाकी खाना पीना भी थोड़ा दिखावे किदा का की कुछ होंगे। सो थोड़ी थोड़ी हौली हौली एनर्जी वापस आऊगी। टाइम देख सकते हो 12:46 हो चल चुकी है, 6 मिनट लेट आए ट्रेन। ये चीज़ हल्किया हल्किया चीज़ा टाइम के पाबंद होने की लड़ा है, मैं कोई मतलब बुराई नहीं है पर ये यार जो चीज़ आ मैनू वधिया लगता कि जे मैं थोनू सच दस देव तो 4 सीटा, एक उपर वाली मेरी है, एक इधर सीट आ, एक आ सीट आ, एक ये सीट आ। थोड़ी देर बाद अद्धा पौना घंटा हो गया इनू सूट दे के गए हैं। तो इतने वेरका का बटर है, मतलब पंजाब का मतलब ब्रांड है। वैसे वेरका मैं बहुत घट देखने को मिलेगा, तो मैं ऑल ओवर इंडिया के अमूल ही मिलूगा बट भाई वेरका का देखिए। चीज़ मैंने समझ नहीं आई यार, जिधर नू आ वाली ट्रेन जा रही है उधर नू ही साड़ी ट्रेन जा रही है पर ये रुकी क्यों आ, मतलब उन्होंने अगे नंगा रही है। दूजे पासे भी लाइन हैगी है। इस ट्रेन के दुरंतो एक्सप्रैस के 5 ही स्टॉप आ दिल्ली तो चल के हावड़ा तक, हावड़ा का 6वां स्टॉप आ। मैं कल सवेरे पहुँचा दूगी 10 बजे, फिर मैं कल ही जो बांग्लादेश का बॉर्डर आ जो क्रॉस कर सकता। दिखाना थोड़ा ट्रेन ए इधर सारे कैबिन वगैरह बने हुए हैं। सो ये आ गए शिंग, मतलब सैकेंड क्लास थर्ड क्लास नालों काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा। इधर भाई आ गया, ये वरता रहे ने डस्टबिन। डस्टबिन हर एक कैबिन दे विच भी अलग अलग दिता हुआ इन्होंने जी। टॉयलेट ये दिखाने बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत लोगों को शिकायत रहती है भी किदा दी। देखो जी ये शीशा काफ़ी साफ सुथरा, शिंक काफ़ी साफ सुथरा, टॉयलेट काफ़ी साफ सुथरी है। कुल मिला के कि स्मैल भी नहीं आ रही, नहीं तो ज़्यादातर प्रॉब्लम रही होंगी है भाई। थर्ड एसी दे विच तो बहुत ज़्यादा, सैकेंड एसी दे विच भी काफ़ी हद तक, बट पता नहीं फर्स्ट हद तक काफ़ी ध्यान रखेगा। बाकी पता लगेगा जिमें जिमें ट्रेन चलूगी कि शाम तक ये दोबारा मेनटेन करके रख देना इदा ही या नहीं। ये नज़ारा जड़ा ना हौली हौली वैसे नज़ारा खत्म हों जा रहा है। इदा बारी के सिर्फ इंडियन ट्रेनस के ही खड़ सकते हो पर हुण नवीं इंडियन ट्रेन के भी जिहड़ियां विंडोज़ आ ऑटोमैटिक हो चुकी हैं। हुण शायद तुसीं इंडियन ट्रेन के भी जिहड़ा ना इदा नहीं खड़ सकते, तो थोड़ा डर लग रहा क्योंकि तेज़ हो गई है यार। कैंट गलबात है भाई इस ट्रेन की, गलबात बहुत कैंट। तुहानू सवेरे आराम नाल अंदर दे कैबिन दे भी पूरे दर्शन कराऊंगा कि कैबिन दे विच की चीज़ां, क्योंकि हुण 4 जणे करके समान इन्ना ज़्यादा। ह
हाँ जी गुड मॉर्निंग। सवेर हो गई है तकरीबन 9 बज गया सवेर दे ते दो लोग खोर सी साडे नाल जिहड़े उतर गए परसों तो मतलब परसों रात भी सुता नहीं सीगा ते नींद काफ़ी आ रही थी सौ गया। वैसे भी रात को वीडियो की बनती क्योंकि ये सिर्फ 4-5 स्टॉप आ और जिहड़े कि बिल्कुल रात को आउंदे आ। कैबिन है जिथे मैं बैठा हुआ जिहड़ा कि मैं थोनों कल दिखाया नहीं सीगा हुण दिखाउणा। काफ़ी वधिया बनया होया पर एक थोड़ी जी प्रॉब्लम सी ये कि जिहड़ी आली जगह नहीं हैगी इत्थे ये हवा आ रही थी पता नहीं क्यों रात में सो दे करके की है कि बाहरों स्मैल स्मूल वगैरह भी आ रही थी कारण पता नहीं की है मतलब इदा इदा कुछ लग्या नहीं पर पता नहीं क्यों क्योंकि इतने एग्जॉस्ट लग्या हो उखड़िया भी होया जा तो ये कोई चीज़ जी निकल चुकी है। खैर थोड़ा मैं पूरा कैबिन दिखाना ये बाहर का पासा मतलब इधर वॉशरूम वगैरह इतों आप अंदर आ गए आ सारे कैबिन बने हुए जिदा ए कैबिन ए आ बी आ सी इदा सारे बने हुए है ना तो ये आप अंदर आ गए अंदर आंदे सारी एक सीट ए दो एक सीट ए तो एक ए आला सीट तुम इदा भी कर सकते थोड़ी उच्ची हो जाती है इदा कर लोगे तो थोड़ा वधिया कंफर्ट आ। डस्टबिन 4 दिते हुए आ एक होर भी हैगा इधर उधर भी पाए हुए सो बाकी आ देखो पौड़ियाँ चढ़न लई बहुत वधिया दित्तियां हुई तुम आराम नाल चढ़ सकते हो देखो बैग रखने लई वधिया जगह बनी हुई है इधर आ लाइटा वगैरह रात को मतलब ये लाइट ब्लू ब्लू हो जाती है वधिया जड़ा तुसी सौ सको तो इधर भी सेम इदा ही बनया होया तो बाकी दिते हुए टेबल थले पिया होया वो देखो डस्टबिन एक होर पिया होया दो उधर पे हुए सो ये टेबल दिते हुए तुसी इहदा अपना कढ़ो जो रोटी पानी लैके आते हैं। तो भाई क्या करते हो आप? हेलो गाइस मैं स्टूडेंट हूं अभी। अच्छा फाइनल स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट। ओके बहुत बढ़िया। इत्या भाई भी मेरे नाल ही जा रहे हावड़ा मतलब ये वैसे रहेंगे ही उत्थे इन्हों का उतों कोई मुर्शिदाबाद था ना मुर्शिदाबाद इन्हों का शहर आ ठीक थी ना मतलब अच्छा खाने पीने का बहुत अच्छा था खाने पीने मुझे सबसे अच्छा तो मतलब मेनली खाने खाण पीन के मैं दस दिना जिदा आने सारी थोड़ी देर बाद ही थोड़ू एक वेलकम कह सकते हैं कुदा भी कहो सूप लैके आने सूप तो थोड़ी देर बाद थोड़े लिए चाह तो अन्न से ड्राई फ्रूट तो थोड़ा बहुत मतलब कुछ समोसा वगैरह होर मतलब चीज़ा सी फिर उस तो बाद रात को डिनर बहुत वधिया सी मतलब काफ़ी वधिया सी क्वालिटी वाइज जिदा होंगे ना बर्तना की भी क्वालिटी होंगी वो भी मतलब काफ़ी वधिया सी तो फिर उस तो बाद सफाई वगैरह भी ऑन करते रहेंगे आते रहेंगे चीज़ होर भी दिखाई भुल गया सी ये देखो ये चादर तो ये सब मिलता हाँ ये मेट्रो देख रहे हैं अच्छा बन रहा है अभी है नहीं अभी है नहीं बन रहा है सो मतलब इतने मेट्रो वगैरह चलती है पर देखते हैं चलो जो भी है सो ये टॉवल भी सी इतने एक आता हुआ इन्होंने आ देखो इदा इस पैकेट के इतने रखा हों तो अपना आके इतों लै सकते हो अभी आउटर से रुके हुए हैं हावड़ा के तो वो जा रही है जी कोलकाता लोकल हावड़ा से कहाँ जाएगी कोलकाता तक जाएगी ना शायद लो जी हावड़ा जंक्शन थोड़ा स्वागत है हावड़ा का स्टेशन मैंने पुराने वाला लगता वैसे कोलकाता पहुँचे इतने ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है मतलब जिदा ही मैं बाहर निकलिया कैमरा धुंधला धुंधला हो गया इन्नी ज़्यादा वो धुंद धुंद जी जम चुकी थी। खैर जाने इतों शैलदा स्टेशन जाना पैना उतों अगे की ट्रेन मिलेगी शैलदा मतलब कोलकाता के मेन सेंटर के जड़ा कोलकाता का स्टेशन आ उ ये आ गया भाई बाहर का कुछ नज़ारा सो मैं इधर जाना पैना शैलदा स्टेशन लिए टैक्सी बुक कर दाँ इतों नहीं है कि अगली ट्रेन है जी मिल जाए मतलब होवे गूगल के अकॉर्डिंग 12:48 पर हैगी अगली ट्रेन बैनगांव जंक्शन लिए कोलकाता दे विच आ पीली वाली टैक्सियां चल दियाँ भाई बिल्डिंग देखो भाई हावड़ा स्टेशन की कितनी प्यारी बनी हुई है ब्रिटिश टाइम दिया बनिया हुई हैं कितनी सोहनिया लगती हैं टैक्सी थोड़ी जी ना उतो पिक नहीं कर देंगे अगे जाना पैना मैनू फ्लैग कह रहा फ्लैग तो आ गया नैशनल फ्लैग कह रहा सो इधरले पासे समुंदर आ जेटियां वगैरह इतने है नेड़े ही आ से तो आपका बात ही नहीं हुआ। अच्छा वो बात किससे हुआ था नहीं यार एक्चुअली विच पता नहीं कैसे किसी होर बंदे का फोन आ गया विच मैं बुक कीती वो कहंदा मैं नहीं जाऊंगा शैल दा मैं उत्थे पीली टैक्सी वाले नूं फड़न लगा फिर भाई का फोन आ गया भाई कहंदा मेरे नाल गल ही नहीं हुई तेरी सो गड्डी का नंबर भी चेंज हो गया उबर चापे मतलब गलत कनैक्शन हो गया सी शायद
तो वह भी भाई इतने ही सदन का मैं कह रहा है मेरे किसी और से दादा बात हुआ था वो गाड़ी चेंज कर दिया। अच्छा अपने आप चेंज हो गया ना। हाँ। वो कह रहा है कि मैं नहीं जाएगा तो मैंने कहा ठीक है। सिटी देखने काफ़ी प्यारी लग रही है काफ़ी वधिया मतलब हावड़ा स्टेशन की जी बिल्डिंग है ना बा कमाल है और ये लोग रह रहे हो देखो जिदा कपड़े सुकने पाए हुए हैं कुछ और मतलब ये रेलवे के या तो अधिकारी या रेलवे काम करने वाले वही सारे बाकी मैं पता नहीं है की है और ये थले बहुत ज़्यादा क्योंकि इधर सामने ही जट्टी आ तो इतों समान जरा ट्रेन तो उतर रहा था जट्टिया तो लोड हो रहा और अंडमान लिए मैं लगता जट्टी वगैरह भी उतों जाती होगी दादा यहाँ से अंडमान के लिए जो जहाँ से जाता है वो जो अपना जाता है शिप जाता है क्रूज़ जो भी छोटा बहुत खूबसूरत नजारा भाई इत्थों दा नजारा तो बहुत खूबसूरत है लेकिन अपनी डेस्टिनेशन कोलकाता नहीं हैगी करके आप कोलकाता नहीं घूम रहे सिर्फ जो चलते फिरते दिख रहे उ देख रहे हैं सो आप मेनली पहुँचना है बेनापोल जिहड़ा बॉर्डर आ इंडिया ते बंगलादेश दा ते उत्थों अज ही बॉर्डर क्रॉस करना ते आपां बंगलादेश एंट्री लेनी है सियालदा स्टेशन सियालदा जो भी तुसीं प्रोनाउंस करो इहनूं भाई टिकट मैं लैके आ गया ते ट्रेन वाले एक घंटे जाऊगी पर उद तक मैं क्या इत्थे लॉन्च बनया होया शायद लॉन्च चलदे आ कुछ खा पी लईए या इत्थे वैसे रेस्टोरेंट भी लग रहा मैनूं जां इहनां तों कुछ खाने आ इक वेज थाली लै लई आपां इक जूस ऑर्डर करता ये भाई मेरा बैग रखन लगे हो ट्रेन तकरीबन एक घंटे बाद बाद मैं पता नहीं उत्थे मिले ना मिले इतने तो सामने से हूँ वैसे इन्नी भुख नहीं सी पर मैं लगे पेट पूजा कर लेनी चाहिए है तो ट्रेन मतलब उन्होंने भी नहीं पता कि प्लेटफॉर्म से आऊगी गूगल कह रहा है कि डेली नौ प्लेटफॉर्म तो चलती है पर ट्रेना प्लेटफॉर्म चेंज होते रहते लोकल ट्रेन है जिदा मुंबई लोकल चलती है ना इस प्लेटफॉर्म तो जाऊगी अपनी ट्रेन शायद यही हो लोकल ट्रेन का वैसे यही है कि पता इस तो पहला जाने वैसे 12:48 जाऊगी हले टाइम वो ये ट्रेन से भी जिते चढ़ के मैं आया ये स्टेशन आ बनगांव का काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इतने जो असं पॉपुलेशन वाद की गल करते हैं तो हमेशा साढ़े दिमाग यूपी बिहार आता लेकिन पश्चिम बंगाल भी इतों घट नहीं पूरा बंगाल ही लस्सी भी है क्या लस्सी है क्या लस्सी दे दो फिर ये रहने दो लस्सी दे दो बनाओ मतलब हाँ दे दो बैठ जाऊँगा फिर तो लस्सी पी के आप आ गए हैं तो हम इतने सारे ई रिक्शा वगैरह खड़े हुए हैं इन्हों तो पूछ दें भाई तो दादा बेनापोल जाना है बेनापोल बॉर्डर वो सामने ऑटो अच्छे ऑटो देखिए उधर हाँ हाँ ये नहीं जाएगा ये नहीं जाएगा अच्छा ऑटो जाएगा अच्छा बेनापोल उधर हो उधर बेनापोल दादा गुस्सा थूक दीजिए बेनापोल जाओगे हाँ, रिजर्व जाएगा कितना पैसा 150 रुपया ते 150 रुपये चल अपनी नबड़ी है बेनापोल हाँ पेट्रापोल आप बेनापोल तक जाओगे पेट्रापोल तक जोड़ोगे मुझे मुझे बॉर्डर तक छोड़ोगे ना हाँ ठीक है ਕੀ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਸਟਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਉਹਦਾ ਡੱਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਆ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰੂੰਗਾ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਢਾਕਾ ਕਾ ਬੱਸ ਵੀ ਜਾਤਾ ਇੱਧਰ ਸੇ ਢਾਕਾ ਕਾ ਬੱਸ ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲੇਗਾ ਢਾਕਾ ਕਾ ਬੱਸ ਸਰਵਰ ਸੇ ਕਬ ਚਲੇਗਾ ਕਬ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਕਿਤਨਾ ਵਜੇ ਚਲੇਗਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਸੋ ਇਹ ਆ ਬਈ ਇੱਧਰ ਕਾਊਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ इधर आ गए काफ़ी मत्था खपाई की मैंने सिम तो नहीं मिल पाई पर आह बस आ ये मैं खुलना तक पहुँचा दूगी हूँ खुलना देखते इंटरनेट भी नहीं चल रहा जाना कितने कितने नहीं शाम भी हो रही है सो खैर बस च लें जाऊगी खुलना 2-2.5 घंटे 3 घंटे ला देखते हैं तक मैं काफ़ी गया पर इंटरनेट भी मैंने इतों मिल नहीं पाया ना सिम मिली
क्योंकि मेरे को पैकेज जोड़े कट से थोड़े जे इंडियन रुपीज है ना लै लिए कि कोई भी कार्ड एक छोटा कस्बा इतने नहीं चलूगा पर एक होर सिटी है या खुलना जाके कार्ड चल जूगा फिर उतो लैनी पैनी है सिम। पिछे चैक पोस्ट सीगा ते हुणे भाई आया आर्मी वाला सीगा ते उन्हें चैक चुक किया मैंने कहना तू पंजाब तो आया मैं क्या हाँ ते पूछन लग गया कि दारू हैगी मतलब पिछे भी बहुत पूछा इन्होंने होर कुछ नहीं पूछा कि थोड़े को किया इमीग्रेशन तो बाद भी जो कस्टम वाले से वो भी बार बार यही पूछ रहे थे कि दारू आ बैग दारू आ सारे नू पता नहीं था यहाँ तक दारू बैन है या रमज़ान करके बैन है या कुछ आ मतलब दारू की ही भाल की जा रही है जी वे लैवल से। तो ये भाई मेरी बस आ तो उधर भाई हनी खाण पीन वास्ते रुक गए क्या स्पैशली कि भाई आज खा लो मैं क्या नहीं मैंने भुख नहीं लगी तो बाकी वो कहें कि तुम घूमो फिर इतने इस जैसरी नाँ की जगह है इतने कहते बस अद्धा पौना घंटा रुकूगी तो होर सवारियां वगैरह इतों पिक करके फिर खुलना जाऊगी सो खुलना काफ़ी रात को पहुँचूगी होप कि मैं होटल वगैरह सही टाइम पर मिल जाए कितना टाइम रुकेगी भैया यहाँ पे 7:30 यहाँ से चलेगा तो जी इतने भी बहुत है इंडिया तरह काली लोगों इतने भी काफ़ी छोटा शहर है जिदा छोटे जिदा अपने होंगे मतलब नॉर्मल शहर उदा का शहर है एक रिक्शे बहुत ज़्यादा इतने बंगलादेश है ये बारे भी थोड़े न गलबात करा पर रिक्शे तेज़ बहुत है भाई यदा कार ना भी तेज़ जा रहे हैं आ कुछ अनानास बेच रहे ठीक है अनानास वैसे थोड़े छोटे छोटे हैं जसरी है इसका नाम जसरी क्या नाम है इस हिंदी जानी अनारस ना 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 जसरी 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 हाँ बांग्लादेश का जसरी शहर है जिथे आप इस टाइम खड़े हुए हैं वो खड़ी अपनी बस दादा वेज में क्या मिल वेज है वेज 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 क्या है नहीं नहीं वेज वेज चाहिए वेज खाने लिए देखते हैं यार मैनू फिलहाल तो इतने मैं लगता भी शायद मेरी दाल जी ना गले क्योंकि वेज इतने कुछ है नहीं छोटा शहर है एक दो ही छोटे छोटे ढाबे जो वगैरह खुले हुए हाँ वो बस खुलना जाएगा हाँ दुकान में हाँ नहीं नहीं सिम नहीं मिला पहले मोनियर में नहीं अच्छा उधर से लेना मोनियर में नीचे हाँ फिर तो खुलना से ले लूँगा मैं क्या वाला क्या हाँ अच्छा की नाम मोहम्मद नीरा बच्चन मोहम्मद नीरा बच्चन अच्छा इंडिया पंजाब पंजाब हाँ बंगाली नहीं जानी थोड़ा थोड़ा जानी इधर में वो उधर का बंगाली इधर का बंगाली सेम है अच्छा दादा बाय बाय सब वधिया बंदे है यार बड़े खुश होके मिल रहे और सब तो बड़ी गल मैनू कई बंद ने इदा मैनू देख दें पंजाब से आया ना पंजाब से आया ना मतलब कई लोगों ने कहता इतने एक रिक्शे वाला भाई खड़ा सीगा ते वो आके मैंने कहता इदा वो आपका रिक्शा साइड से ला के आया मेरे को मैंने कहता पंजाब से आया ना सो कहता कह सत श्री अकाल आ देखो हम भी सत श्री अकाल बुला गया भाई सो क्या यार अपनी बस उधर नू खड़ी हुई है इतने खास कुछ है नहीं परले पासे जाना बनता बस स्टॉप दे विच यार आ कुछ फोटो लगिया हुई हैं ये शायद इन्हां दी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना मुजीबुर रहमान है बांग्ला बंधु सो ये मतलब जिवें कह लो कि बांग्लादेश के लोग प्यो मानते हैं तो इन्हों की होंगी प्राइम मिनिस्टर तो इतने देखो रविंद्रनाथ टैगोर ये होर फोटो लगियाँ तो मेनली मैं थोड़ा तां दिखाई है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जिहड़ा लिखा सीगा तो बांग्लादेश का नैशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा सीगा जे मैं गलत ना होवां तां करके इतने रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो भी लोग लाते हैं बस ने लाता सी
ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਉਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੂਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੋਟਲ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ। ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਘੁੰਮਣੇ ਆਇਆ, ਘੁੰਮਣੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾਦਾ ਤੁਮਰੇ ਕੀ ਨਾਮ ਚੀ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਚੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 46-47 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੌਣ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬੈੱਡ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਲਏ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਬੱਸ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ। ਖੈਰ ਰੂਮ ਦਾ ਟੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦਊਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟਰੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਅਸਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।